दिल्ली के उत्तम नगर में एक मिडिल क्लास फैमिली रहा करती थी। इस फैमिली में माता पिता और उनके दो बच्चे रहा करते थे। पिताश्री पेशे से वकील थे और माताश्री गृहिणी, जो कि अपने बच्चों को बहुत प्यार करती थी। 5 नवंबर 1988 इस फैमिली में और एक बच्चे की एंट्री हुई और इस बच्चे का नामकरण किया विराट। विराट अपने फैमिली में सबसे छोटे थे। विराट के पापा प्रेम कोहली पेशे से वकील थे और माता सरोज कोहली हाउसवाइफ। विराट के बड़े भाई का नाम विकास और बड़ी बहन का नाम भावना है। अकॉर्डिंग टू हिज फैमिली, विराट 3 साल के थे तब से वो अपनी क्रिकेट बैट हवा में घुमाते थे और अपने पापा को बॉलिंग करने के लिए कहते थे। विराट कोहली का पूरा बचपन दिल्ली के उत्तम नगर में बीता और उनकी स्कूलिंग विशाल भारती पब्लिक स्कूल से पूरी हुई। विराट बचपन से ही क्रिकेट के शौकीन थे। बचपन में वो अपने दोस्तों के साथ गली क्रिकेट खेला करते थे। विराट कोहली की क्रिकेट स्किल गॉड गिफ्टेड है, ऐसा सब लोग मानते हैं, क्योंकि वे मैदान पर अपने हुनर की वजह से सबसे अलग नजर आते थे। 1998 में विराट जब 10 साल के हुए तब उनके पापा ने उनका एडमिशन दिल्ली क्रिकेट एकेडमी में करवाया। विराट के इस हुनर को देखकर उनकी फैमिली भी उन्हें सपोर्ट करती थी। दिल्ली क्रिकेट एकेडमी में राजकुमार शर्मा उनके गुरु हुआ करते थे। विराट क्रिकेट के साथ पढ़ाई भी मन लगाकर करते थे। उनके टीचर उन्हें ब्राइट और इंटेलिजेंट स्टूडेंट कहा करते थे। 2000 में विराट जब 12 साल के थे तब उनका सिलेक्शन दिल्ली अंडर 15 के लिए हुआ। विराट ने इसमें बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया और तुरंत ही दिल्ली अंडर 17 में उनका सिलेक्शन हो गया। 18 दिसंबर 2006 में विराट के पिता का निधन हो गया। उनके पिता के जीवन पर बात करते हुए विराट कोहली कहते हैं, मेरे पिता मुझे मेरे बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। हमारा फैमिली बिजनेस भी ठीक से नहीं चल रहा था। हम किराए के घर में रहते थे। मेरे पिता ही मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट कहलाते थे। वे रोज मुझे प्रैक्टिस के लिए लेकर जाते थे। मुझे आज भी उन दिनों की याद आती है। पापा का निधन होने के बाद भी विराट कर्नाटक के विरुद्ध खेले। उन्होंने उस मैच में 90 रन बनाए और आउट होने के बाद तुरंत ही अपने पापा के अंतिम संस्कार के लिए गए। ये होता है अपने काम के प्रति डेडिकेशन। अगस्त 2008 में विराट ने इंडिया के लिए वनडे क्रिकेट मैच में एंट्री की और अपने हुनर से इंडिया टीम में अपनी सीट फिक्स कर ली। आइए अब विराट कोहली के अफेयर्स के बारे में जानते हैं। ये तो सभी जानते हैं कि विराट कोहली ने अनुष्का शर्मा से शादी की है, लेकिन अनुष्का से पहले विराट की जिंदगी में कई लड़कियां आई और गई, कुछ अफवाहें हैं तो कुछ अच्छी दोस्त। वही एक विज्ञापन के दौरान विराट की मुलाकात तमन्ना से हुई और उन्होंने डेटिंग शुरू कर दी, लेकिन उनका रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चल सका। विराट कोहली ने ये भी कहा है कि वे पूरी तरह से शाकाहारी है। उन्होंने कहा कि उन्होंने यूरिक एसिड को कम करने के लिए ये किया है। विराट के मुताबिक यूरिक एसिड उन पर हावी हो रहा था। उनके गर्भाशय में दर्द हो रहा था और उनकी उंगलियां भी दर्द करती थी, जिस कारण उन्होंने मांस खाना पूरी तरह से बंद किया। 2013 में उन्होंने विराट कोहली चैरिटी फाउंडेशन नामक एक चैरिटी शुरू की, जिसका उद्देश्य मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों की सेवा करना था। विराट कोहली उनके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत टाइम निकालते हैं। साथ ही वे अपने डाइट के मामले में कभी भी छेड़छाड़ नहीं करते। विराट को घूमना और मूवी देखना बहुत पसंद है। साथ ही उन्हें फुटबॉल और पंजाबी गाने सुनना भी बहुत पसंद है। विराट कोहली एनिमल लवर भी है। उनके पास ब्रूनो नाम का एक पालतू कुत्ता भी है। ऐसे सर्वगुण संपन्न क्रिकेटर को आज पूरी दुनिया जानती है और चाहती भी है। अगर आप भी वीके से प्यार करते हैं तो कमेंट बॉक्स में वीके और हर्ट भेजिए।